Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अजीब चीज होती है ना ये किस्मत, जब बदलती है तो ऐसे बदलती है कि अपना दिया हुआ हर खम बुला देती है। उस पराई औरत ने मेरी बेटी की जगह ले ली और ये मेरी बेटी का मकाम ले लिया। आज तो बड़ा पक्का निशाना लगाया तुमने, मेरा भाई पक्का कातिल बन गया। तुमने मुझसे वादा किया है अगर वो साजिद के कत्ल में मुलविस निकली तो उसकी जान तुम अपने हाथों से लोगे। उसको ढूंढने में और दुश्मन तक पहुंचने के लिए मैं हर किसी पर शक करने लग गया हूं, पर तुम पर तो मैं कभी शक कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर को गिबाद ने दो कटी हुई टिकट्स दी थी और बताया था कि साजिद ने कराची में मेरे पास आने से पहले इन दोनों भाइयों को फिल्म देखने के लिए भेज दिया था। क्या पता वो गैबात ही हो। गैबात? गैबात किसी को नहीं मार सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो उसमें औरतों वाली सिफत है। बाबा साहिब वो टिकट्स इंस्पेक्टर को इस केस में अहम कड़ी लगी थी। तो क्या उसने तुम्हें ये बताया था कि गैबात ने साजिद को मारा है या साजिद ने मरते वक्त उसका नाम लिया था? नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर ले लेता तो अपुत्र वो तो मुखन्नस है। उसमें बहादुरी किधर से आ गई कि वो साजिद को कत्ल कर दे? और क्यों? इसी क्यों ही में तो उलझे हुए हैं बाबा साईं। दुश्मनी क्यों है? जब ये पता चल जाए तो कौन कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। देखो वाहिद पुत्र, मैं गैबात उसके भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मैनास के सामने ही पले बड़े हैं। जब उनका बाप मर गया था ना तो उसकी माँ ने मैनास के घर को ही अपना दर बना लिया था। वो वहीं पे पले बड़े हैं। फिर वो किस दुश्मनी के तहत अपने मालकों को मारेंगे जबकि उनका सब कुछ उन्हीं से वाबस्ता है? हाँ कुछ भी है बाबा साईं, जो कोई भी है वो बेबे की हवेली का और बेबे के सामने खड़ा है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। कहाँ गया था तू? बोल बोल कहाँ गया था तू? जवाब दे, क्यों तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? मैंने लाली को भेजा था तुझे बुलाने के लिए, फिर भी तू नहीं आया। बोल जवाब दे वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। बेबी सरकार, वो मैंने इसे भेज दिया था, मैं गिर गई थी ना, ये देखे, ये बेबी सरकार वो अम्मा के पाँव पे मोच आ गई थी तो दर्द के मारे चिल्ला रही थी तो मैं हकीम को लेने चला गया था। बेबी सरकार अगर मैं हकीम को ना लाता तो अम्मा दर्द के मारे मरी जाती। ये आपका हुक्म मिल जाता तो मैं ना जाता, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। बेबी सरकार ए मैं किसी को क्या मारूंगा? ए मैं तो खुद किस्मत का मारा हूं, आपका महाफिज नहीं हूं सरकार, आपका कुत्ता हूं बेबे, कुत्ता।
जो आपसे सिर्फ बेवफाई कर सकता है बेबे, फिर मैं इन हाथों से बेवफाई कैसे कर सकता हूँ बेबे, जो मुझे खाना खिलाते हैं। मैं आपका कुत्ता हूँ बेबे, मैं किसी की जान क्या लूंगा बेबे, मैं आपका कुत्ता, कुत्ता बेबे, कुत्ता। मालूम आप मेरी बीवी है और इस पर ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पूछूंगी कि इसने किसको बताया। मेरे पहलू में जिसे ढूंढ रहे हो वो गुनाहगार तुम्हारे पहलू में भी तो बैठा हो सकता है। तू मुझे भी जानती है अच्छी तरीके से और मेरे निशाने को भी। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो यहीं से ठुस ठुस। पुत्र तुम्हें महनाज के पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मानुमा पर तुम्हारा शक बेबुनियाद था। मैं मानुमा को बेबे के पास लेके जाऊंगा बाबा साहब, और बेबे को बताऊंगा कि मानुमा मेरी बीवी है और इस पर ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पूछूंगी कि इसने किसको बताया। नाज़रीन, बाबा साईं, ये इस घर की बहू और भाई साहब की बीवी बाद में हुई, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये वो जनानी है जिसके घर से साजिद की लाश मिली। क्या इस हकीकत को आप नजरअंदाज कर देंगे? पूछा नहीं आपने इससे कि उस रात आपके निकलने के बाद किसको बताया था इसने? मुझे बताया था इसने। अब तुम अपने बाप पर शक करोगी? देखो नाज़नीन, मेरी बात तामन से सुनो। मानुमा ने किसी को कोई खबर नहीं दी है, इसे नहीं पता कि कौन इंस्पेक्टर को मार गया। मैंने खुद इसे वापस आकर बताया। हाँ, अब तो ये आपकी बीवी है, अब आप इस पर कोई बात नहीं आने देंगे। क्या ही अच्छा होता कि पहले आप मेरे शौहर के कातिल को पकड़ते और फिर बाद में शादी आने बचाते। मैं अपने मकसद से नहीं हटाऊं और ना ही हटूंगा जब तक मैं साजिद का कातिल पकड़ ना लूं। मैं सुकून से नहीं बैठूंगा नाज़नीन। पर मानुमा ने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। ये तो मैं पहले दिन से सुनती आ रही कि ये बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, और ये इतनी अच्छी बन गई कि आपने इसे शादी के लिए मुंतखब किया। पर अब मैं सिर्फ सच सुनना चाहती। मैं सच को ही तलाश कर रहा हूं नाज़नीन। आपने जब से सच का पीछा किया है तब से वो ऐसा झूठ की गोद में जाके सो गया है कि सामने ही नहीं आता। इंस्पेक्टर को मरते वक्त आपने देखा और साजिद को मरते वक्त इसका साथ नसीब हुआ। उसने क्या कहा इसने सुना, और अब या तो आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे या आप इसे बचा रहे। कहना क्या चाहती हो? मैंने इंस्पेक्टर को मारा है, साजिद को मैंने मारा है, या मैं और मानुमा मिलके कर रहे हैं ये सब? जो भी कर रहा है, लेकिन इस सब में मेरे शौहर का कातिल छुपता जा रहा है। जब से ये यहां आई है आप इसी के होके रह गए। ऐसा छुपन छुपाई का खेल शुरू हुआ है कि सब कुछ उलझता जा रहा है। कब मिलेगा वो, कब मिलेगा मेरे शौहर का कातिल, और कब मिलेगा मेरे शौहर को इंसाफ? नाज़रीन, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हूं, ढूंढ तो रहा हूं। कहां ढूंढ रहे हैं आप तो सब भूल भाल के बैठ गए। हमारा कोई वारिस नहीं जिससे हम फरियाद कर सके, जो हमारे सरों पे हाथ रख सके। आप भी पराए हो गए, हर किसी को अपनी जिंदगी की पड़ गई।
ना मैं इस घर की बेटी रही और ना ही बहन और ना ही अब मुझे इस दर से कोई उम्मीद। सारी जिंदगी तमाम हो जाएगी पर वो नहीं मिलेगा जिसने मेरे शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सात पर्दों में छुप गया है वो। नासनी जाने दो, जाने दो इसे, भले इसे मान मां को इस घर का फर्द तस्लीम नहीं करती तब तक तुम इसके लिए कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी बीवी की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, इससे इज्जत दिलाना, इसे इसका मकाम दिलाना अब तुम्हारा काम है। जी बाबू साहब। नाजनीन क्या हुआ? भाई ने मान नहीं रखा, खाली हाथ लौटा दिया। कहते हैं जब मर्द की जनानी आ जाए तो उसकी माँ और बहनें दूसरी औरतें बनकर रह जाती हैं। मेरे भाई साहब ऐसे नहीं। वाह, भाई से खूब लड़कर आ रही, उसके दिल में अपने लिए गुंजाइश नहीं देखी। दूसरी जनानी का राज देखकर आ रही है उसके दिल पर। और मैं कुछ कह रही हूं तुम्हारे भाई के लिए तो वो तुम्हें बुरा लग रहा है? वो कहते हैं मानो माने कुछ नहीं, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वो नहीं शामिल। वो तो यही कहेगा, पर नाजनीन तुम्हें अपने शौहर की इस हवेली की परवाह होनी चाहिए। अपने भाई के लिए दिल में नरम गोशा जरूर रखो मगर ये मत भूलो मेरी तरफ देखो। मेरे भाई ने मेरे शौहर को सूली पर चढ़ने दिया, मैं अंदर से टूट गई क्योंकि अपने भाई के लिए मेरे दिल में मोहब्बत थी या उम्मीद नहीं थी। मगर तुम्हें तो खुद को हर वाकये के लिए तैयार रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई जब तुम्हें जख्म दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो तुम्हें। बेबी मैं मारुमा को लेकर आ गया, हम जो इससे पूछना चाहती हैं पूछ ले। क्या पूछूं इससे और कैसे पूछूं जबकि मुझे पता है कि सवाल मैं इससे करूंगी जवाब तुम दोगे। और वैसे भी अब तो सवाल को बड़ा सोच समझ के फूलों जैसे लफ्जों में पूछना पड़ेगा, आखिर कोई इस खानदान की बहू जो है। और वैसे भी तुम इसे इसका मान मर्तबा बताने के लिए लाए हो, ये जवाब दे तो है नहीं, तो फिर मैं क्या सवाल करूं इससे? मैं तो तुमसे पूछूंगी, तुम जवाब दे, वादा जो किया था तुमने। बेबे उसे कुछ नहीं पता, मारुमा कुछ नहीं जानती। फिर वही बात, क्यों इसका दामन साफ करना चाहते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके या नाजनीन के दिल में मारुमा के लिए कोई मैल रहे। अगर तुम चाहते हो कि हमारा दिल इसकी तरफ से साफ हो जाए तो उसका एक ही हल है, साजिद के कातिल को ले आओ, सब जाहिर हो जाएगा, कौन कातिल है, कौन मुलविस, कौन खबरी और कौन बेकसूर। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। तो फिर ये बताओ कैसे? अरे आप इसे भेज दें। इस पर शक मत करो, मैं बाप से अकेले में बात करूंगा। मेरे पहलू में जिसे ढूंढ रहे हो
वो गुनाहगार तुम्हारे पहलू में भी तो बैठा हो सकता है। पहले आपकी हवेली को साफ कर दिया जाए, फिर मेरी तरफ रुख करें। पहले आप इसे भेज दें। तुम भी अपनी बीवी को भेजो। तुम नाजरीन के कमरे में जाओ। ओए मस्तू, भेड़िया कैसे पता लगेगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं इस वक्त? उस्ताद मैं जाऊं? और रहने दे, तू कौन सा मासूम? मेरा भाई है, जितना उसे मुझ पे शक है ना, उतना तुझ पे भी है। लेकिन जब तक उसके इरादों का पता ही नहीं चलेगा तो अपना बचाव कैसे करेंगे? उस्ताद, मैंने तो कहा था कि इंस्पेक्टर के साथ ही मार देते उसे, पर तुम नहीं माने। अब तक क्या क्यामत तक इस बात को पकड़ के रखेगा? ओए कुछ सोच मस्तू, कुछ सोच। उस्ताद, उस्ताद, अम्मा, 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 ये जाने से पहले एक बात तो सुन। तू मुझे भी जानती है अच्छी तरीके से, और मेरे निशाने को भी। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो यहीं से थुप, थुप। चल जा मेरी प्यारी अम्मा। इंस्पेक्टर ने इस केस की फाइल जरूर बनाई होगी, और वो फाइल पुलिस की तहवील में चली गई है। अब ये केस मैं रीओपन करवाऊंगा, फिर पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। लाली, पैरों के साथ साथ तेरा हाथ भी कांपने लगा है। बेबी सरकार, कमजोरी हो गई है जी। चल जा, जाकर आराम कर। जी, तुम फाइल निकलवाओ, जितनी जल्दी हो सके मैं साजिद के कातिल को अपने सामने देखना चाहती हूं। और क्या कहा? कुछ नहीं। सच बता अम्मा, झूठ ना बोल, पता सचमुच तेरा पैर तोड़ दूंगा। और कुछ भी नहीं कहा, वो बस केस की फाइल निकलवाएगा। अच्छा, वैसे अम्मा तेरा पैर वाला बहाना कमाल था, हैरान कर दिया तुमने मुझे। मैं तो समझता था कि तुझे सिर्फ जान लेनी आती है, पर तुझे तो जान बचानी भी आती है। अंगूठी नहीं पहनी? मुंह दिखाई मैं दीवी अंगूठी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर ना पहनने की वजह? क्यों समझ लें कि छुपा कर रखती है। क्यों? पहनती तो शायद छीन लेता कोई मुझसे। किसमें इतनी हिम्मत है जो तुमसे मेरी कोई निशानी छीन सके? ना तुमसे कोई अंगूठी छीन सकता है, और
ना ही मुझे। ये इस खानदान की बहू है, बीवी है वाहिद की, इसका मकाम वही है जो महरीन और नौरीन का था। ये चौधरी वाहिद की हवेली कहाँ है? तुम कौन हो? मुझे उनकी हवेली जाना है। बाबा साईं मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं उस शख्स को अपने साथ लेकर जाऊंगा जिस पर मुझे शक है। और तुम्हें शक किस पे है? सरकार, आज बड़ी बीबी की मुराद का दिन है जी। गांव के तमाम मजारे और लोग अपनी हाजतों के लिए आ रहे हैं जी। हाँ, ये रस्म तो हम हर साल अदा करते हैं। तुम ऐसा करो सुखी के वो कपड़े और बाकी सामान मंगवा लो। सरकार, सब सामान मंगवा लिया जी, बस अब तो देने वाला हाथ चाहिए जी। ओ, सरकार ये खानदानी रस्म है जिसे आपकी वालदा साहबा अदा करती थी। उसके बाद बड़ी बीबी ने भी इस रस्म को जारी रखा जी। फिर महरीन बीबी ने भी सबकी झोलियां भर दी जी आज के दिन। पर सरकार, अब इस खानदानी रस्म को कौन आगे बढ़ाएगा? बाहर बहुत सारे मजारे और गांव के लोग जमा है जी। आप कहे तो मैं नाजनीन बीबी को बुला लूं जी। नहीं नहीं, वो वही महनाज की हवेली में ये रस्म पूरी करेगी। तो क्या सरकार, इस बार हमारी हवेली से लोग खरायत लेकर नहीं जाएंगे जी, खाली हाथ वापस चले जाएंगे? बाबा, कोई इस हवेली से खाली हाथ खाली दामन नहीं जाएगा। अब ये रस्म मानुमा अदा करेगी। सरकार, ये खानदानी रस्म है जी, और इसको कोई खानदानी, ये इस खानदान की बहू है, बीवी है वाहिद की, इसका मकाम वही है जो महरीन और नौरीन का था। ये सारी रस्में अदा करेगी। आज के बाद इस हवेली में इसका हुक्म चलेगा और तुम सब इसके मातहत हो। जाओ बेटा, जाओ जाकर रस्म अदा कर। जाओ, शाबाश। चौधरी वाहिद की हवेली कहाँ है? तुम कौन हो? मुझे उनकी हवेली जाना है। क्या मुराद मांगने आई हो? आज बड़ी बीबी की खैरात की रस्म है ना हवेली में, मैं तो जाऊंगी। सुना है वहाँ सरकार की नई दुल्हन बांध रही है दोनों हाथों से। आ, 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 आ,
ये लीजिए। जाते हैं तख्त बख्त रे बेटी। बीबी सैन क्या थी है? मुझे भी बेटी का जहेज चाहिए, बहुत परेशान हूँ मैं। तो फिर तो चली जाना, इस तरह से कभी कोई खाली झोली नहीं गया। क्या वहाँ पे हर मुराद पूरी हो जाती है? मैं क्या कह रही हूँ, माफी। तुम्हारी बेबी से बात हुई, फिर क्या सोचा है तुमने? सब केस उस फाइल पर डिपेंड करता है बाबा साईं, जो तफ्तीश के दौरान इंस्पेक्टर ने बनाई थी। और वो फाइल है कहाँ? वो फाइल पुलिस की तहवील में है और बहुत जल्द मैं उसे लेने जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे बाबा साईं? अब हम ऐसे चुप करके तो नहीं बैठ सकते। इतने दिनों से जो तलाश जारी है उसे अंजाम तक भी पहुंचाना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं बहुत चालाक है। जिस तरह तुम्हारी सारी उम्मीदें उस फाइल से वाबस्ता हैं, वो भी उस फाइल को हासिल करना चाहेगा, क्योंकि जो कुछ वो करता रहा है नहीं चाहेगा कि उसका नाम बाहर आए, लोगों को मालूम हो। फिर वो भी देख लेगा बाबा साईं कि मैं कैसे उसे सबके सामने लाकर खड़ा करता हूं। वो इसी ताक में बैठा होगा, तुम फाइल इन मत जाना, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर कौन जाएगा बाबा साईं? सुरमे को भेज दूंगा मैं, या खुद चला जाऊंगा। तुम मेरे वारिस हो, ये हवेली जायदाद ये सब कुछ तुम्हें ही लेके आगे जाना है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता ना। बाबा साईं मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं उस शख्स को अपने साथ लेकर जाऊंगा जिस पर मुझे शक है। और तुम्हें शक किस पे है? ये बात बेबी सरकार। बोलो गायबात। बेबी सरकार आज मुझे कुछ चाहिए आपसे। नाजनीन बीबी की इस खानदानी रस्म के सदके मुझे दे दीजिए। तुम्हें जो भी चाहिए नीचे से जाके मांग लो, नाजनीन दे देगी। ना बेबी सरकार ना, मुझे जो चाहिए वो नाजनीन बीबी ने सिर्फ आपके पास है बेबी सरकार, सिर्फ आपके पास। बोल क्या चाहिए तुझे, किस चीज की कमी है तुझे इस हवेली में? बेबी सरकार आपके इतबार में कमी आ गई है मेरे लिए। बेबी क्या मैं खुद अपने सरकार को मारूंगा? बेबी सरकार मैं तो आपके हाथों का पला हुआ हूं, आपका बच्चा। बेबे मुझे अपनी मां की मोहब्बत तो याद नहीं है, बस आपका हाथ अपने सर पे रखना याद है। भला मैं कैसे मार सकता हूं अपने सरकार को? ए साजिद सरकार मेरे भाइयों जैसा था। बेबे सरकार उस वाहिद चौधरी के कहने पर आपने अपने पले में पे शक किया, इस लाचीज पे। बेबे सरकार मैं तो बंदूक की नोक से डरता हूं, किसी का खून देख लूं तो हलक में जान आ जाती है मेरी। मैं कैसे
साथी सरकार का खत्म कर सकता हूँ। तो उस रात बाहर जो गया था इसलिए इल्जाम लगा है, साबित थोड़ी हो गया जो इस तरह से रो रो के बुरा हाल कर रहा है। बेबे सरकार, अगर उस वाहिद चौधरी ने मुझे कातिल साबित कर दिया तो मैं कमजोर उसका कहां मुकाबला करूंगा। और आपने तो बड़े चौधरी के कातिलों को माफ कर दिया, अब आप कहां लड़ेंगी मेरे लिए? अब वो किस्सा तो कब का मुक गया। बेबे सरकार, ये खून की होली तो उन्होंने शुरू की थी, साजे सरकार की लाश हो या उस पुलिस इंस्पेक्टर की, वहां पाया तो वाहिद चौधरी गया था ना, फिर शक मुझ पे क्यों बेबे सरकार क्यों? कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, मैंने सुलह का हाथ बढ़ाया इसलिए कि अब ये खून खराबा खत्म हो जाए। तू फिक्र ना कर, वाहिद साजिद के कातिलों को भी पकड़ लेगा और तुझे भी कुछ नहीं कहेगा। पर अगर वो पूछ गिछ करे तो जवाब दे देना, अगर वो सबके जरिए ही कातिलों का पता लगाना चाहता है तो ऐसे ही ठीक है। बस मुझे तो वो चाहिए जिसने मेरे बेटे को मारा है। सुनो जी, वो मानुमा कहाँ है? मानुमा मेरी बड़ी बहन है, उसका नाम है मानुमा। मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगी। इतना दिया है वाहिद सरकार की ये बीबी तो बड़ी सख्त। हाँ, मुझे तो इतना दिया कि जी खुश कर दिया, मौला जोड़ी सलामत रखे वाहिद सरकार की अपनी दुल्हन बीबी से। वो देखो कितने सोने लग रहे हैं वाहिद सरकार। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है तू जा, मैं भी लेके आती हूँ। हाँ जी, इस हवेली में जो औरतें काम करती हैं वो कहाँ हैं? मैं हूँ इस हवेली की मुलाजमा, तुम्हें क्या काम है? वो मेरी बहन मानुमा, वो भी यहाँ आई है, तुम जानती हो उसे? मानुमा, इस नाम के तो इस हवेली में कोई मुलाजमा नहीं है, तुम गलत जगह आ गई हो। मेरी बहन है बड़ी, उसका नाम है मानुमा, वो आई है यहाँ पर, तुम जानती होगी उसे। मैं तो नहीं हूँ इस हवेली में, और इस हवेली में इस नाम की कोई मुलाजमा नहीं है। आपके बेटे के बारे में सुखी जी ने बताया है मुझे, उसकी इलाज की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत मेहरबानी दीदी साहब, रब तुहाडा भला करे, रब तुहाडा भला करे। नहीं नहीं ऐसे ना करें, प्लीज ये ले आ। Thank you.
आपको क्या नहीं चाहिए ये? ये ना, आप भी बता दें आपको क्या चाहिए, वहां मेरे पास तो मैं कोशिश करूंगी देने की। मुझे माफी चाहिए आपकी। कैसे आई हो यहाँ पर? रोना बंद करो। सुखी सबसे कहीं बात नहीं आ तो ससारियाँ चल के ग्राउंड च बैठो। हमने तो आपको वल बुलाते हैं। जुलो तो सामने भाई जी जुलो ही दे। तो सामने जुलो। मेरा दिल परेशान हो रहा है तुम्हें देखकर। क्या बात है मारुख, रो क्यों रही हो ऐसे? मारुख वाहिद, बाबा साईं ये मारुख है मेरी बहन। मैंने बताया था ना आपको। राहिल किधर है मारुख? साथ नहीं आया वो? वो मुझे छोड़कर चला गया। आप ही छोड़ के चले गए का क्या मतलब? आना चाहिए था ना उसको। राहिल ने मुझे तलाक दे दिया। अभी क्या मुझे माफ कर दो आप, मैं यहां सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आई। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया मेरी नादानी थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हें छोड़कर चली गई। अब मैं वापस आ गई हूँ आपकी, खाली हाथ और खाली दामन। मुझे माफ कर दो आपकी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास मारो मारो मुझे माफ कर दो। रोना बंद करो, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो, रोना बंद करो। सुखी जाए जाके पानी लेकर आए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बैठो। इस चांद पे दाग नहीं, इस चांद पे दाग। आखिरी घंटा वाहिद चौधरी निकाल लो, बस उसके बाद हम तीनों ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरे बेटे और भतीजे का कातिल मुझसे माफी की उम्मीद कैसे रख सकता है? अब तो उसको उसकी ठीक सजा मिल गई है। कल जिसने मेरा सब कुछ छीना था, आज उसके खुद के पास कुछ नहीं रहा। इतने बड़े आदमी ने से शादी कैसे कर ली? लेकिन जितना मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ, तुम्हें जरूर फर्क पड़ता है। तुम समझते क्यों? रबात ऐसा नहीं है, वो कमजोर है, मेरा मुहाफिज नहीं, वो दूसरे गुलामों की तरह एक गुलाम है मेरा। यहाँ भी है जो उनके साथ, और इस बार भी उनके हाथ कुछ नहीं आए।